लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड मॉड्यूल नंबर 183 डेवलपिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन डियर स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे डेवलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रन पे बात करनी है कि बच्चों में हम कैसे स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं द फोर स्पीकिंग स्किल्स आप इस पिक्चर में देखें तो इसमें सबसे पहला है फ्लुएंसी फिर वकेबलरी तीसरा ग्रामर और चौथा प्रोनाशिएशन स्पीकिंग स्पेल स्किल्स डिवेल्प करने के लिए सो डाइनमिक एंड ग्रेजुअल प्रोसेस दैट अकर्स ओवर टाइम तो ये वो ग्रेजुअल प्रोसेस है जो वक्त के साथ साथ डिवेल्प होता है और मुसलसल प्रैक्टिस से डिवेल्प होता है आ चिल्ड्रन ग्रो एंड इंटरेक्ट देयर इन्वायरमेंट दे मे अटेन द एबिलिटी जो ही बच्चे uh, अपने इन्वामेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं तो ये सलाहियत वो हासिल करते हैं टू एक्सप्रेस दमसेल्व ओवरली तो वह अपने जुबानी अपने ख्याल का इजहार कर सकते हैं और सम की अस्पेक्ट्स ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन इनक्लूड वो शामिल हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज तो प्री लिंग्विस्टिक स्टेज में जो है फर्स्ट गो थ्रू द्री लिंग्विस्टिक स्टेज ऑफ नॉन वर्बल कम्यूनिकेसन इस स्टेज पर बच्चों में अभी ए, ए, ये नॉन वर्बल कम्यूनिकेशन होती है वो वर्ड्स अदा नहीं कर सकते वो सिर्फ साउंड्स से निकाल पैदा करते हैं आ, वो क्या अपने जेस्टर्स फेस फेशल एक्सप्रेशन एंड वोकलाइजेशन यानी अब मुख्त आवाज़ों से वो निकालते हैं टू कन्वे द नीड्स एंड एंड इंटरक्ट विद केयर गिवर्स तो अब वो अपनी नीड्स और ज़रूरियात के लिए वो अपने केयर गिवर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो बैबल करते हैं आ, बैबलिंग जैसे गूँ गूँ करना या इस तरह की आवाज़ें हैं डिफरेंट साउंड्स वो निकालते हैं आ, या रिदम की शक्ल में और इस ये चीज़ें जो बाद में उनके जुबान की बुनियाद फरहम करती हैं यानी इससे आगे वो वर्ड्स मेकिंग की उनका की स्टेज शुरू हो जाती है इस स्टेज के बाद फर्स्ट वर्ड तकरीबन आ, दस से चौदह माह की एज में चिल्ड्रन स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग देयर फर्स्ट वर्ड वो अपना पहला वर्ड अदा करते हैं यूजली सिंपल टू नेम द ऑब्जेक्ट्स पीपल आर नोशंस या एक्शन्स वो मतलब मुख्तफ अपने ऑबजेक्ट्स को या चीज़ों को वो नाम देते हैं और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इन द इमीजिएट इन्वायॉर्मेंट जो कुछ उनके इन्वामेंट में मौजूद होती हैं उसके इर्द गिर्द के माहौल में और इनिशली दे द प्रोड्यूस वेग वर्ड्स और आमतौर पर जो वर्ड्स होते हैं वो वेग होते हैं उनके अभी कोई मीनिंग नहीं होते लेकिन जो उनके केयर गिवर्स होते हैं वो उसको, उसके उसके माहौल से या उनकी जरूरत से वो उन, उनके मीनिंग समझ लेते हैं और उसके कॉन्टेक्ट की वजह से वैकैबलरी एक्सपेंशन नेक्स्ट स्टेज जो है वर्ड्स जो फर्स्ट वर्ड की है इसमें फिर ग्रेजुअली उनकी वर्ड्स जो है उनकी वैकेबलरी एक्सपेंड होती है और वो स्पीकिंग स्किल सीखते हैं दे लर्न न्यू वर्ड्स रैपिडली तेजी से वो नए वर्ड्स सीखते हैं नाउन वर्ब्स और प्रोनाउंस यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच वो सीखते हैं और दे ग्रेजुअली गेन द एबिलिटी टू लेबल ऑब्जेक्ट्स और डिस्क्राइब एक्शंस एक्सप्रेस इमोशंस एंड मेक रिक्वेस्ट फॉर यूजिंग वेल मैनर्ड लैंग्वेज तो इस तरह ये उनकी जो वर्ड्स uh, मेकिंग की जो लैंग्वेज uh, की उनकी ये स्टेज है जहाँ ये डिवेल्प होती है Uh, जो वन uh, वर्ड और फिर के बाद टू टू वर्ड स्टेज है इसे हम वो टेलीग्राफिक स्टेज कहते हैं एज चिल्ड्रन रिक्वायर मोर वर्ड्स दे बिगेन टू कम्बाइन दैम टू मेक सिंपल सेंटेंसेस तो वो फिर सिंपल सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं वैसे सेंटेंसेस उनके वन वर्ड के भी हो सकते हैं टू वर्ड्स के भी हो सकते हैं और इनिशियली देर सेंटेंसेस हैव सिंगल वर्ड जैसे मैंने अभी बताया और इसको टेलीग्राफिक स्टेज हम कहते हैं और दे डिवेल्प द एबिलिटी टू टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस जब वो थ्री वर्ड स्टेज पे आते हैं या उससे ऊपर जाते हैं तो वो उनके ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमले बनाना सीखते हैं अब इसमें देखें स्टेप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स में आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहे हैं इसमें सबसे पहले आप देखें डिफरेंट uh, जो चीज़ें हैं जो मसल राइम्स द टॉक है फिर ऑर्गेनाइज द डाटा एनालाइज द ऑडियंस है डिटर्मन द पर्पज़ है कलेक्ट डाटा है चूज द आइडिया है प्लानिजल एड्स ये स्ट्रेटजीज हैं हम स्पीकिंग सिखाने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं और लैंग्वेज यूज एंड प्रेगमेटिक्स प्रैगमेटिक्स जो है ये सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज है कि बच्चों को सिर्फ लैंग्वेज का यूज ही नहीं इसमें सिखाया जाता बल्कि ये सिखाया जाता है कि किस टाइम पे कौन सी या किस सिचुएशन में कौन सी लैंग्वेज या लैंग्वेज का कौन सा स्टाइल बोलना चाहिए मसल बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ जिस तरह बात कर सकते हैं वो उससे डिफरेंट अंदाज में बात करेंगे जैसे अपने दोस्तों के साथ या स्कूल के साथियों के साथ या मॉर्निंग में अगर वो ब्रेकफास्ट में जैसे बात कर रहे हैं दोपहर में अपने दोस्तों के साथ लंच पर वो डिफरेंट अंदाज में बात करेंगे तो किस तरह वो लैंग्वेज को अडाप्ट करना है इसमें प्रैगमेटिक्स में, में बच्चे सीखते हैं तो लिसनर्स नॉलेज

वो उनकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो चुके होते हैं और दे गेन द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट नरेटिवस और स्टोरी टेलिंग के का फन उनको आ जाता है सो दे लर्न टू सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स डिस्क्राइब करेक्टर्स लिंक द प्लाट ऑफ द द स्टोरी एंड प्रोवाइड डिटेल अबाउट द टॉपिक्स पे नरेटिव स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर डिवेलपिंग कंसिस्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो कि वो जो स्टोरी में उसकी कंसिस्टेंसी है तरतीब है ये सारा वो सीखते हैं और फिर वो लें इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं जो जो लिसनर्स को चाहिए होती है तो ये थी तमाम जो स्पीकिंग स्किल्स के सिलसिले में जो स्ट्रेटजीज थी जिसके हम बच्चों को स्पीकिंग सिखा सकते हैं ये मैंने आपको तो डिटेल के साथ आपसे बात की